भारत का पूर्वोत्तर राज्य अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसी हिस्से में बसा असम नदियों, पहाड़ों, झील, झरनों, चाय के बागानों सहित कई सुंदरता को अपने आंचल में समेटे हुए है। असम उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार माना जाता है तो भारत का प्रहरी भी। यहाँ के शिल्प कौशल की वजह से असमिया महिलाएं अपने आप में गर्व महसूस करती है। तो आइए हमारे खास कार्यक्रम के जरिए आज हम आपको लिए चलते हैं उस खूबसूरत राज्य में जहाँ सूरज सबसे पहले अपनी किरणें बिखेरता है। साथ ही आपको यात्रा करवाते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे डिब्रूगढ़ जिले की। असम पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार। असम अपनी लुभावनी दर्शनीय सुंदरता, दुर्लभ वनस्पति, हरी भरी पहाड़ियों, विशाल जल मार्गों, मेलों और त्योहारों की भूमि कहा जाता है। असम नाम का अर्थ है आसमान। डिब्रूगढ़ असम में स्थित एक शहर है। अहोम भाषा की बुरंजी ऐतिहासिक कृतियों में शहर का नाम ली फाउ दिया गया था जिसका मतलब है स्वर्ग स्थल। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है और हिमालय के श्रृंखलाओं के काफी करीब है। डिब्रूगढ़ असम के दो मुख्य शहरों में से एक है जिसे एशियाई विकास बैंक से आर्थिक सहायता मिली है। डिब्रूगढ़ भारत के चाय शहर के नाम से भी जाना जाता है। डिब्रूगढ़ जिले के दक्षिण में अरुणाचल प्रदेश, उत्तर में धेमाजी, पूर्व में तिनसुकिया, दक्षिण पश्चिम में चराईदेव और शिवसागर जिला और उत्तर पश्चिम में लखीमपुर स्थित है। डिब्रूगढ़ का इतिहास अत्यधिक समृद्ध है। यहाँ का वर्णन सबसे पहले अहोम शासकों से मिलता है। 1971 में इस क्षेत्र को जिले की मान्यता मिली। 1989 में इस जिले में से एक क्षेत्र को विभाजित कर एक नया जिला तिनसुकिया का गठन किया गया था। तीन हजार 381 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए इस क्षेत्र की आबादी लगभग 13 लाख है। डिब्रूगढ़ भारत का सबसे बड़ा चाय निर्यातक है। इसके अलावा यहाँ पर तेल के कुएं भी मौजूद हैं। चाय और तेल यहाँ के लोगों की आय का प्रमुख स्रोत है और डिब्रूगढ़ जिले की साक्षरता दर 76.22% है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से तात्पर्य मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। शिक्षा समाज की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को किए गए ज्ञान का हस्तांतरण है। वैदिक काल से लेकर अब तक भारतवासियों के लिए शिक्षा प्रकाश का स्रोत रहा है। शिक्षा एक ऐसी संस्था है जो समाज और संस्कृति को जोड़े रखती है, साथ ही निरंतरता बनाए रखती है। ऐसे ही डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय जिसने ये निरंतरता बनाए रखी और 1965 में डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यहाँ से शिक्षा प्राप्त किए हुए सितारे आज अलग अलग क्षेत्र में अपनी किरणें बिखेर रहे हैं। डिब्रूगढ़ जिला पूर्वोत्तर भारत में उच्च शिक्षा की धुरी रहा है। सन 19 में डॉक्टर जॉन बेरी व्हाइट ने यहाँ मेडिकल स्कूल की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, असम मेडिकल कॉलेज को भारत का पहला रेडियोलॉजी विभाग होने का गौरव भी प्राप्त है। चिकित्सा के अलावा डिब्रूगढ़ में उच्च शिक्षा के फार्माकोलॉजी, भूविज्ञान, अनुप्रयुक्त भूविज्ञान और पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी मौजूद है। शिक्षा के इन उत्कृष्ट संस्थानों में से एक नाम है डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय का। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1965 में असम विधानसभा द्वारा अधिनियमित डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1965
क्लॉज 1 के प्रावधानों के तहत की गई थी। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय डिब्रूगढ़ के राजा भेटा में करीब 500 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा 2017 में ए ग्रेड के साथ मान्यता प्राप्त है। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ AIU और राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालयों के संघ ACU का भी सदस्य है। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आसाम इन इंडिया हैज अचीव्ड सेवरल सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स सिंस इट एस्टैब्लिशमेंट इन 1965। द यूनिवर्सिटी हैज बीन एक्रेडिटेड बाय द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल विथ एन ए ग्रेड व्हिच सिग्निफाइज इट्स कमिटमेंट टू क्वालिटी एजुकेशन एंड रिसर्च। 58 साल की अपनी इस स्वर्णिम यात्रा में इस संस्थान ने देश को एक से एक बढ़कर छात्र दिए, जिन्होंने ज्ञान, विज्ञान, कला, राजनीति और साहित्य के क्षेत्र में देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया है। उनमें से कुछ नाम हैं हिरेम्बा पाइलुंग, भारतीय प्लाज्मा भौतिक वैज्ञानिक, असमिया उपन्यासकार जयंत माधव बोरा, जिन्हें 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जोयंती चुटिया, ये उन महिलाओं में से थीं जिन्होंने भारत में वैज्ञानिक संस्थानों का नेतृत्व किया, दुलाल मंकी, असमिया लोक कलाकार, जिन्हें 2021 में संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, बिनॉय कुमार सैकिया, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहट में प्रधान वैज्ञानिक हैं, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान में इनके योगदान के लिए 2021 में इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। राजनीतिज्ञ बिस्मिता गोगोई, जो असम विधानसभा की सदस्य रहीं, सिमंता शेखर, वर्तमान में असम राज्य फिल्म वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष हैं। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष PA सांगमा भी डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय अपने आदर्श वाक्य नियंतम कुरु कर्म यानी परफॉर्म योर ड्यूटीज फॉर एक्शन इज सुपीरियर टू इनएक्शन को पिछले 58 वर्षों से चरित्रार्थ कर रहा है। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी ऑफर्स ए वाइड रेंज ऑफ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल प्रोग्राम्स इन एरियाज सच एज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज एंड लॉ एट्सेट्रा। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी हैज ए स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर विथ ए नंबर ऑफ रिसर्च सेंटर्स एंड इंस्टीट्यूट्स फोकस्ड ऑन एरियाज सच एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, एनर्जी, एनवायरमेंट एट्सेट्रा। द यूनिवर्सिटी हैज रिसीव्ड फंड्स फ्रॉम एजेंसीज सच एज द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड इन शॉर्ट SARB, द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च फॉर इट्स रिसर्च प्रोजेक्ट्स। एज द यूनिवर्सिटी इज वन ऑन कोर्स टू अटेन ग्रेटर पीक्स ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च ग्लोरीज इन द डेज टू कम। विश्वविद्यालय का विजन है बेहतर दुनिया के लिए ज्ञान और कौशल, मानवीय मूल्यों और करुणा को एकीकृत कर मानव संसाधन का विकास करना और अपने उद्देश्य मूल्य उन्मुख शिक्षा और कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना जो छात्रों के नेतृत्व के गुणों को बढ़ावा देता है। और इस तरह वैश्विक स्तर पर सतत विकास, सामाजिक सद्भाव और शांति को बढ़ावा देता है। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय उत्कृष्टता के शैक्षिक केंद्रों में से एक है, जो कई सैद्धांतिक दृष्टिकोणों के साथ बहुविषयक क्षेत्रों, ज्ञान, सांस्कृतिक विविधता के साथ वैश्विक स्तर के मुद्दों को समाहित करने की कोशिश कर रहा है। विश्वविद्यालय अगली पीढ़ी को बेहतर मौका देने और उनके अंदर नेतृत्व क्षमता को प्रदान करने के लिए विश्व के बेहतरीन विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर काम कर रहा है। The university has made overseas academic collaborations with different institutions all over the world, such as Queen's University Belfast undergoing global partnership program of British Council, University of Haifa, Israel
on teaching and research, Chinese Academy of Sciences, Beijing, with the Department of Applied Geology, Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia, World Fragrance Organization, South Korea for offering course on Korean language, University of Ethiopia on research in pharmaceutical sciences, etc. समग्र शिक्षा को आगे बढ़ाने और छात्रों के बीच अनुसंधान और विकास के प्रति जुनून पैदा करने में ये विश्वविद्यालय सिर्फ पूर्वोत्तर भारत ही नहीं बल्कि देश के शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मुख्य रूप से कला, विज्ञान, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, शोध और जांच निकाय के 7 संकाय इस विश्वविद्यालय में चलाए जा रहे हैं। अगर हम यहाँ चलाए जा रहे मुख्य संकाय की बात करें तो मानविकी और कानून संकाय, सामाजिक विज्ञान संकाय, शिक्षा विभाग, विज्ञान और इंजीनियरिंग संकाय, वाणिज्य और प्रबंधन विज्ञान संकाय, जैविक विज्ञान संकाय और पृथ्वी विज्ञान और ऊर्जा संकाय। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में वर्तमान में 273 फैकल्टी मेंबर हैं जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। यहाँ पर अभी 60 प्रोफेसर और 188 सहायक प्रोफेसर हैं और 25 एसोसिएट प्रोफेसर हैं जो इस विश्वविद्यालय में छात्रों की एक नई पौध को आकार देने में लगे हुए हैं। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय अनुसंधान कार्यक्रमों के अलावा अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है। इस प्रतिष्ठित संस्थान में करीब 18 विभाग मौजूद हैं। The university has 7 faculties of studies, which are Faculty of Humanities and Law, Faculty of Social Sciences, Faculty of Education, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Commerce and Management Sciences, Faculty of Biological Sciences, and Faculty of Arts, Science and Energy. A total number of 178 affiliated colleges and institutions, which are spread over 9 districts of Assam. The university has modern infrastructure facilities, including state-of-art art laboratories, libraries, and classrooms. The campus is spread over an area of 550 acres, providing ample space for academic and extracurricular activities. डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य है नियम कुरु कर्म, अर्थात क्या आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। भगवद गीता में हमें जो सिखाया गया है, यदि इसे उससे आगे ले जाया जाए तो कर्म ही आपकी पूजा है। आपको प्रतिफल की चिंता नहीं करनी चाहिए, यह आपका विषय नहीं है। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने संबोधन में यह बात कही। मौका था डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह का। इस दीक्षांत समारोह में कुल 1684 छात्रों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि समाज में न्याय, समानता और प्रगति लाने के लिए शिक्षा सबसे प्रभावी और परिवर्तनकारी तंत्र है और लोगों को शिक्षित किए बिना सामाजिक परिस्थितियों को बदला नहीं जा सकता। We must always be proud of our historic achievements and accomplishments. It is gratifying to note that your university has emerged as a focal point for preserving the linguistic diversity of this region and literary traditions. Preserving our language is very important. This is what we have got from thousands of years. শিক্ষা ক্ষেত্ৰত নিজৰ গৌৰৱময় স্থিতি সবলভাৱে প্ৰতিফলিত কৰি অহা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংগীতৰ এটি স্তৱক মই এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰাণে প্ৰাণে বাজে সুৰ,
নিয়তং কুরু কর্ম মহামিলনের আলোকে উজ্বলায় শির ডিব্রুর। সচাকৈয়ে আলোকর যাত্রায় ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিত্ব করে আহিছে। 1965 চনত প্রতিষ্ঠা হওয়ার পাছরেপরা ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্যখনের শৈক্ষিক পরিবেশ সমৃদ্ধ করে রাখিছে। ছাত্রকে পরিবর্তন কা বাহক বনকর সমাজ মে সকারাত্মক বদলাব লানে কে লিয়ে কাম করনা চাহিয়ে। উন্হোনে ইয়ে ভি কাহা কি ইয়ে ছাত্র হি সন 2047 কে ভারত কে নির্মাতা অর যোদ্ধা হ্যায়। ইউ রিপ্রেজেন্ট ডিউরিং অমৃতকাল দ্যাট হিউম্যান রিসোর্স দ্যাট উইল টেক আওয়ার ভারত টু 2047। You are makers and warriors of Bharat in 2047 when the nation will celebrate centenary of its independence. सबसे अच्छा गुरु है प्रतिस्पर्धा। प्रतियोगिता से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। और सबसे घातक दुश्मन है भय, यानी कि डर या असफलता का डर। आज जितने लोगों ने बड़े बड़े मुकाम या उपलब्धियां हासिल की हैं, वो कभी न कभी असफल हुए होंगे। इसीलिए डर को आपको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। यह मूल मंत्र दिया डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने। The deadliest enemy is the fear. Fear of defeat and failure. Take it from me, and I can assure you I am product of education. I have been a brilliant student all through. Take it from me, never have tension, never have stress. Face all challenges with positivity. Unleash your energy. My advice to you is, try different things. Try unconventional things. Do not allow an idea to harbor in your mind. पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की भारत की अष्ट लक्ष्मी के रूप में प्रशंसा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इन राज्यों के विकास और योगदान के बिना भारत का विकास अधूरा रहेगा। उन्होंने इस क्षेत्र की भाषाई विविधता और साहित्यिक परंपराओं को संरक्षित करने की दिशा में काम करने की सराहना करते हुए कहा कि भाषाओं का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हजारों वर्षों में विकसित हुई हैं। The 8 states of northeastern region are truly Ashtalakshmis of India. Without their growth, without their involvement, without their participation, Bharat will be incomplete. Dibrugarh, beautiful cultural and commercial capital of Assam, has been home to many intellectuals, literary, cultural and public figures, like my esteemed colleague in Rajya Sabha, a former Chief Justice of India, Sri Ranjan Gogoi. Also, Sri Sarbananda Sonowalji, he was supposed to come. His commitment was elsewhere. We would have loved his presence here. We feel his absence. But a man of sublimity, elegance, that kind of mannerism, he reflects authentically the culture of Northeast. यजुर्वेद में कहा गया है, सा विद्या या विमुक्ते, यानी शिक्षा वो है जो मुक्ति दिलाए। भ्रष्टाचार, बेईमानी, अपराध, भूख, गरीबी, अज्ञान, रोग और बेकारी से मुक्ति दिलाए, वो शिक्षा है। It is a proud moment for all of us to note that Dibrugarh University was chosen among only 76 selected Indian universities to be part of the G20 University Connect program in the year has been honored
with the presidency of the G20. Overall, Dibrugarh University has made significant contribution in the field of education, research and community development, and continues to strive towards achieving academic excellence and social relevance. स्वयं का समर्थ बनने और अपने तथा दूसरों के व्यक्तित्व को नया आयाम देने का महत्वपूर्ण काम आज हमारे देश के शिक्षण संस्थान कर रहे हैं और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय इन्हीं शिक्षण संस्थानों में से एक है जो शिक्षा रूपी प्रकाश को सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैला रहा है। ये वही साहसी धरती है जहाँ के लोगों ने आक्रमणकारियों को परास्त किया था और अपनी एकता, अपनी शक्ति, अपने शौर्य का परिचय दिया था। दशकों तक तमाम चुनौतियों से जूझने वाले पूर्वोत्तर में आज तेजी से विकास हो रहा है। असम एक ऐसे राज्य के रूप में उभरा है जहाँ चहुंओर विकास हो रहा है। हाल ही में इस राज्य को 3 नए मेडिकल कॉलेज और एक एम्स की सौगात मिली है जो निश्चित तौर पर इसे सशक्त बनाएगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।